गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो टूडेल स्टार्ट आर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर फाइव टूडेज टॉपिक इज फ्लिपिंग द राइट एंड लेफ्ट बटन ऑफ अउस स्टूडेंट्स वॉट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड फ्लिपिंग मीन्स की चेंज करना किसी चीज को या शिफ्ट करना सो सम पीपल आर राइट हैंडेड और सम आर लेफ्ट क्या होता है नॉर्मली कुछ कुछ पर्सन क्या होते हैं राइट हैंडेड होते हैं और कुछ कौन से होते हैं लेफ्ट हैंडेड द बेसिक फंक्शन ऑफ अउस आर सेट फॉर अ राइट हैंडेड पर्सन बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो माउस का फंक्शन है वो राइट हैंडेड पर्सन के लिए सेट होता है टू मेक द माउस ईजी टू यूज बाय अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन अब जो पर्सन आपका लेफ्ट हैंडेड है उसके लिए हमें माउस को इजी बनाने के लिए क्या करना है यू कैन स्वैप द फंक्शन ऑफ अ माउस बटन आपने क्या करना है माउस बटन के फंक्शन को स्वेप करना है मीन्स चेंज करना है तो so, कैसे करना है जस्ट डिस्कस द फॉलोइंग स्टेप्स राइट क्लिक ऑन द स्टार्ट सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करो उसके बाद विंडो सिस्टम पे क्लिक करना है आपने ठीक है सिलेक्ट कंट्रोल पैनल उसके बाद कंट्रोल पैनल को सिलेक्ट करना है डिस्प्ले लिस्ट में से जब आपने कंट्रोल पैनल को सिलेक्ट किया है उसके बाद सिलेक्ट द माउस ऑप्शन माउस ऑप्शन को सिलेक्ट करो द माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स विल अपियर अब माउस की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसका एक डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा अंडर द बटन कॉन्फिग्रेशन उस बटन कॉन्फिग्रेशन के अंडर क्या करना है सिलेक्ट द चेक बॉक्स एक चेकबॉक्स गिवन है उसपे आपने क्या करना है सिलेक्ट करना है स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन अब स्विच करना है प्राइमरी और सेकेंडरी बटन को टू चेंज द सेटिंग सेटिंग्स को चेंज करने के लिए नाउ अप्लाई बटन अप्लाई बटन पे क्लिक करो दे ओके बटन अप्लाई बटन के बाद ओके okay बटन को क्लिक करके द जो पहले वाली सेटिंग्स थी वो न्यू वाली सेटिंग से आपकी क्या हो गई है शफल हो गई है और न्यू सेटिंग उसमें सेव हो गई है आपको माउस प्रॉपर्टीज का एक पेज गिवन है जब आप उस पर क्लिक करोगे स्टार्ट बटन पे ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद अब इसमें आ रहा है बटन्स पॉइंटर्स पॉइंटर ऑप्शन व्हील एंड हार्डवेयर ठीक है आपने क्या करना है माउस प्रॉपर्टीज पे जाकर बटन कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है बटन कॉन्फ़िगरेशन पे गए हमने क्या किया यहाँ पे चेक बॉक्स को टिक किया है टिक करने के बाद आपने अप्लाई बटन को सिलेक्ट करना है ठीक है और उसके बाद ओके कर दोगे तो आपकी जो सेटिंग्स होंगी वो क्या हो जाएंगी चेंज हो जाएंगी थैंक यू सो मच